हेलो 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 हेलो, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो वह के ज्ञान से तारा आज की वीडियो का मैं आप ही हरियाणा जी के प्लस आईपीसी सीआरपीसी के प्रश्न कराएंगे भाई हरियाणा जी के। और मेनली जो फोकस रहेगा वो सीआरपीसी पर होगा, जो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट वाले जिसे ये प्रश्न आया करें पेपर का, मैं इनके ऊपर फोकस रहेगा ठीक है भाई। और जय इन प्रश्न आएगी भाई जब पीडीएफ से तो @MOHITPUNIA मोहित पुनिया नाम था, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उड़ा जाएगी, मैसेज कर दियो, पीडीएफ मिल जाएगी। लगभग सारे जी दे हूँ, कोई एक आधा रह जाए हो ना भाई, माफी चाहूँ, अगला दिन मिल जाएगी, एक दो दिन में मिल जाएगी, मिल जरूर जाएगी पेपर था पहला ठीक से। यार एक चीज़ और बता दूँ भाई, आप ही तड़का परसों में एक चीज़ लॉन्च कराएँ के नाम है यो ग्राम सचिव खातर पंचायती राज है ठीक है, इसका खातर एक बढ़िया सी वीडियो लॉन्च कराएंगे ठीक भाई। और भाई स्टार्ट करा भाई, हरियाणा रिकॉर्डेड क्लास है भाई सारे ने बेरा हुआ कदे नो समझो, लाइव है, लाइव लुई का झंझट को नहीं, रिकॉर्डिंग में तोड़े तोड़े प्रश्न हुआ घना, टाइम खराब को नहीं हुआ। और भाई एडमिट कार्ड ना करो बहुत का कटिए तारी हो, तो हम सुबह रहा लगे थे एस एस सी का नोटिस का, मतलब थी 21 तारीख मना ही बेरा है एडमिट कार्ड, या तो आज रात तक डल जाएंगे नहीं तड़का 100% डल जाएंगे भाई ठीक से, इन्फॉर्मेशन दे दी जाओगी। हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है बताओ भाई, भारत केसरी के नाम से है वो हरियाणा के किस व्यक्ति को जाना जाओ यो प्रश्न पूछा गया है। तो पहलवान मास्टर चंदगी राम को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, पहलवान मास्टर चंदगी राम को भारत केसरी के नाम से जाना जाए। पहलवान मास्टर चंदगी राम का संबंध पूछ ले, हरियाणा के किस जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से है पहलवान मास्टर चंदगी राम, कुश्ती के पहलवान थे भैया। और के प्रश्न पूछा जाया करो, और सज्जन सिंह को है वो पूछ ले कि भाई किस नाम से जाना जाओ, तो सज्जन सिंह को रुस्तम ए हिंद के नाम से किसे जाना जावे है, सज्जन सिंह को है रुस्तम ए हिंद के नाम से जाना जाए, यो प्रश्न पूछ लिया जाया करे ठीक है भाई। पंडित जसराज को सवर सम्राट के नाम से जाना जा है, पंडित जसराज को सवर सम्राट के नाम से जाना जा, संबंध पूछ ले हरियाणा के किस जिले से है, हरियाणा के हिसार जिले से ये संबंध रखते हैं। और के बच गया मूलचंद जैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूलचंद जैन ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा था मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जावे, सारिया ने बेरा है हरियाणा का गांधी है वो किसती कहा जावे है, मूलचंद जयंती है वो हरियाणा का गांधी कहा जावे है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, हरियाणा के सोनीपत जिले से है मूलचंद जैन संबंधित है, याद रखना है। और क्या चीज़ याद रखनी है, एक रुबाई सम्राट पूछा गया तरफ ठीक है, रुबाई सम्राट के नाम से किसे जाना जावे है, रुबाई सम्राट के नाम से है वो किसे जाना जाए, कि वो प्रश्न पूछा जाए अगर, उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट का नाम तो जाना जाओ है, उदय भानु हंस को ठीक है। ताऊ किंग मेकर इसका नाम तो किसते जाना जाओ है, चौधरी देवीलाल को ठीक है, ताऊ किंग मेकर इसके नाम से किसे जाना जाओ है, चौधरी देवीलाल को है ताऊ और किंग मेकर के नाम से जाना जाओ भाई ठीक है, चौधरी देवीलाल ठीक है भाई। और भाई एक यो पूछा जाए अगर, वो नाम तो था वो के नाम था, नाम ही मेरा ध्यान को नहीं, एक और था ठीक है, दो तीन और थे, तो इतने ये नाम याद रखने था धरती पर कौन सा यो इम्पोर्टेंट, एक सज्जन सिंह, पहलवान मास्टर चंदगी राम, पंडित जसराज, मूलचंद जैन, तो सारे में घना इंपॉर्टेंट है, ये जो जो से इंपॉर्टेंट है वो लिखवाए हैं मना धरती ठीक है, सारे कौन लिखवाए भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखो, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को अधिकतम कितने दिन तक पुलिस अभिरक्षा के अंदर रखा जा सकता है, अभिरक्षा का मतलब वो कस्टडी, मतलब मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो है आगरा उसके द्वारा है अधिकतम है वो किसी भी अभियुक्त का, मतलब जो भी आदमी पुलिस ने पकड़ रखा है उसकी अधिकतम कितने दिन तक पुलिस कस्टडी का मैं रख सका है, तो मैक्सिमम 15 दिन तक है उसे पुलिस कस्टडी का मैं रख सका हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुलिस कस्टडी का मैं कुकर रख सका भाई, जो नो है आगरा भाई, जो किसी ने कोई अपराध कर दिया किसी के खिलाफ कि मैं आरोप लग गया ठीक है, उसकी पकड़ लिया है पुलिस वाले पकड़े पात से उसके मजिस्ट्रेट का सामने पेश कराया जाएगा, इब जो कर मजिस्ट्रेट का सामने क्यों पेश कराया जाएगा, इब कोर्ट है, कोर्ट सारे 24 घंटे तो खुली कौन रहेंगी, कोर्ट तो 9 बजे खुला 5 बजे बंद, मान लो कोई आरोपी 6 बजे पकड़िया है तो मजिस्ट्रेट का घर आ जाएगी पेशी कर दे हैं उसकी पुलिस वाले, मैंने कहा भाई वो कर दिया पेश अर्जी इसका दे, रिमांड रिमांड पुलिस ये रिमांड की मांग करेंगे भाई, एक हफ्ता का रिमांड दे दो, वो मजिस्ट्रेट ने देखा भाई केस किसा है, मर्डर का है, क्या का है, क्या चीज़ इसने करी है, तो मजिस्ट्रेट उसका इस हफ्ता रिमांड देगा भाई, तामना 7 का मांग गया तो के बेरा 7 का भी दे दे, के बेरा 3 दिन का भी रिमांड दे दे ठीक है, उसका इस हफ्ता रिमांड देगा उसने बोला, लेकिन मैक्सिमम हो 15 दिन का ही रिमांड दे सका है, 15 दिन तक फालतू का रिमांड कौन दे सकता, 15 दिन में उसके खिलाफ सबूत सारे पेश हो जाए हैं, चलान चुलून बन जाए उसके, फिर उसकी आगा अदालत का श्यामी पेश कराया जाए, इतनी बात आ गई समझ में। अगला प्रश्न के भाई, हरियाणा के किस जिले के
मैं उत्तरी भाग का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आया था, फीमेल कॉन्स्टेबल और फीमेल SI दोनों आगे में प्रश्न आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनीपत का मैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है वो उत्तरी भारत का, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय प्रथम महिला विश्वविद्यालय था भाई, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाए अगर किस टाइम हुई थी, इसकी स्थापना 2006 का में हुई थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ ले तो कुया हुई थी 2006 का में है, इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा का सोनीपत जिला का में है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न की है, अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन निम्न अपराधों में से किसके लिए दिया जा सकता है। मतलब देखो यो भी बताता हूँ मैं धरती, अग्रिम जमानत का क्या सिस्टम होगा, जो कर नो आगरा भाई अग्रिम जमानत के हो भाई, जो कर ये तामनो समझ दे भाई, अगला ना पकड़न का एक काम कर दिया, अपराध कर दिया तो उसकी अग्रिम जमानत देने का के तुक्स है, तो भाई वो सिस्टम नो है अगर है, जो कर इसका आंसर आ जाएगा गैर जमानती अपराध के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कर यो के सिस्टम है अगर धारा 438 का तहत के हुआ है भाई, कोई भी अगर गैर जमानती अपराध कर दियो, मतलब कोई संगीन अपराध कर दिया, हत्या कर दी किसी का, मर्डर कर दिया किसी का, रेप कर दिया या कुछ भी जैसे संगीन अपराध जो मतलब बहुत ज़्यादा भयानक है, ठीक है, ऐसा कोई भी अगर संगीन अपराध कर दे हुआ है तो उस तीखी हुआ अगर भाई ये वो जो करना है भाई, मान लो कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, कोई बड़ी हस्ती है या फिर कोई मतलब ऐसा बंदा है भाई जिसका जिसने नू लगा भाई मेरे ऊपर यो अपराध हो गलत पेश कराया गया है, मतलब मैं इस चीज़ का अपराध दिखो नहीं, मेरे तीनों धक्का है, मतलब किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो के कर सीखा वो इस बात के सबूत भाई वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर झूठा लगाया है अपना वकील का माध्यम था कोर्ट में पेश कर सीखा है, ठीक है, मतलब कि भाई जो कर उसका खिलाफ़ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी FIR, ठीक है, पुलिस वाले आओगे, पुलिस वाले उसकी पकड़न आने तक पहला है वो आपका कोर्ट में करवाए देगा भाई कि हाई कोर्ट चला गया या फिर कितने और भी गया तो कोर्ट में जाइए के कहूँगा जिला न्यायालय में चला गया जड़े भी जावे उड़ जाके इन कहूँगा भाई ये मेरे सबूत हैं भाई मैंने ये अपराध को नहीं कराया, ठीक है, और जब तक अपराध मेरा वो नहीं हो जाता भाई, भाई वो तो अपराधी है, ठीक है, घोषित नहीं हो जाता जब ती मैं अपना मतलब मेरी आज़ादी दे भाई मैं इतना अपना घर रह सकूँ, मतलब मेरी गिरफ्तार ना कराया जाए तो कोर्ट ने देखा अगर भाई इसके जो सबूत इसने प्रूफ जो पेश करे हैं अग्रिम जमानत खातर भाई, अग्रिम जमानत का मतलब क्या भाई गिरफ्तारी से पहले हमें जमानत चाहिए, हम गिरफ्तारी कौन देवा, ठीक है, तो उसका मैं क्यों अगर अदालत उसके सबूत देखेगी हाँ भाई सबूत हैं और उस पर कुछ पैसे एज ए चार्ज का रूप में कुछ पैसे उस पर ले लेगी, बस जो कर 1 लाख ले लिए 2 लाख वह फीस होया अगर है वह फीस उसका रूप उस तक जमा करवा लेगी यार, एक लिखित में लिखवा लेगी उस पर कि भाई ऐसे ऐसे हूँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं कहीं पर बाहर नहीं जाऊँगा, देश छोड़ के नहीं बाजूँगा, अपना जिला छोड़ के नहीं जाऊँगा, इस तरह की कुछ कंडीशन होया अगर लिखवा लेगी तो उन सरता के ऊपर उसकी जमानत पर छोड़ दिया जाया करें, उसकी बोला अग्रिम जमानत आगे समझ में, तो गैर जमानती जो से अपराध हुए हैं उनका खातर अग्रिम जमानत की पेशकश करी जाए, अगर जो से जमानती अपराध हुए हैं उनमें अग्रिम जमानत की जरूरत पड़ दी है कौन, जो उनसे जमानती अपराध हो उन अग्रिम जमानत की जरूरत कौन पड़े अगर वो मामले हो अगर पुलिस ही सुलट लिया अगर बस अगर किसी की गिरफ्तार कर लिया छोटा मोटा मामला काम है तो जमानत राशि आदमी आप पे जमा करवा दे पुलिस वाले द्वारा आप पे छोड़ दें उसने, ठीक है, उसका मैं घना लफड़ा होया है कौन करे। अगला प्रश्न देखो भाई, कोई परीक्षार्थी भाई SSC बैच नंबर 5 में ज्वाइन होना चाहता हूँ, लिसो ऐप है प्रवीण उड़ान सर का, लिसो ऐप है प्रवीण उड़ान सर का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मैं इसका लिंक भी मिल जाएगा, प्रवीण उड़ान सर और GK/BK के द्वारा ही इस ऐप के ऊपर पढ़ाया जाता है, 499 रुपया का बैच है, लिसो ऐप प्रवीण उड़ान सर का ऐप है, ठीक है, यही इसके ऊपर पढ़ाते हैं, CET ग्राम सचिव पटवारी दुर्गा पुलिस कमांडो HTET इनसे संबंधित अगर कोई भी तैयारी करता हो तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गो ऑन लिसो ऐप। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखो, हरियाणा देश में किस चीज़ के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, यह प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा है देश में किस चीज़ के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, कार, दरी, रेल या नलकूप, बताओ भाई हरियाणा है वो देश के अंदर किस चीज़ के उत्पादन के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, यह प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर बताओ भाई, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, हरियाणा देश के अंदर कारों के उत्पादन के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, कारा का जो मेन उद्योग है वो कड़ा है हरियाणा का, गुरुग्राम का है, मारुति सुजुकी का उद्योग है कड़ा है हरियाणा का, गुरुग्राम का है भाई, ठीक है, और भी वो प्रश्न पूछा जाया करे भाई, जो सारा में गणा जो दरी बनाने का केंद्र पूछा जाया करे एक, ठीक है, रेल राज नलकूपियाँ तो पूछे कौन जाया करें भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट केस परिभाषित किया गया है जिसमें अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो,
देखो इस प्रश्न को समझाता हूँ मैं के दिया गया है। इस प्रश्न का मैंने दिया गया है कि वह जो दंड प्रक्रिया संहिता है जो CRPC है उसकी धारा 1973 के अंदर जो वारंट है वारंट को कैसे परिभाषित किया गया है, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो, मतलब कि नु दे रखे भाई जो दंड प्रक्रिया संहिता है CRPC उसका मैं जो वारंट हुआ है वारंट थी कुया जारी कराया जा है भाई पुलिस के द्वारा वारंट जारी कौन करेगा, हाँ भाई वारंट जारी हो गया आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, फिल्म में देखा हुआ आपके खिलाफ वारंट है गिरफ्तारी वारंट है, तो उन्होंने पूछा भाई वो वारंट है वो कैसे अपराधों के अंदर जारी होता है, एक तो एक नंबर पता हो भाई जिस जिस अपराध की सजा है आजीवन कारावास हो उस अपराध के लिए वारंट जारी होता है, या फिर ऐसी सजा जो दंड या फिर जिस अपराध की सजा हो मृत्यु की सजा हो यानी कि फांसी की सजा ऐसा काम करे उसका खतर वारंट जारी हुआ है, या फिर ऐसी सजा जिसके अंदर जो दंड है वो 3 वर्ष के कारावास से अधिक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ऐसी सजा जिसका हमें 3 साल तक फालतू की सजा मिल दी हो, ऐसा अपराध जिसका हमें 3 वर्ष तक फालतू की सजा मिल दी हो उस अपराध का मैं भी है वारंट जारी हो सके। तामनुस पूछो वारंट का मतलब सिस्टम के हुआ है वारंट के चीज़ हो कई बार आ जाए इसका मैं प्रश्न पूछ रहे हुआ है जो कर एक तो आया समन ये समन भी पूछा जाया करा समन और वारंट का मैं फर्क पूछा जाया करा समन और वारंट दोनों का मैं फर्क के है, समन तो आया करा भाई जो कर दोनों चीज़ तो लगभग लगभग एक के हैं लेकिन कुछ फर्क भी है, समन वो आया करा भाई अदालत है वो किसी भी अपराधी थी अपराधी तो कौन कह सकते भाई मान लो किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलिस में मामला कोर्ट में चला गया ठीक है तो उसका पाछा अदालत है वो उन्होंने कहोगी कि भाई उस आदमी थी समन जारी करेगी भाई जिसकी भी अदालत का हमें पेश होना है वो गिरफ्तार तो कौन कर रखे लेकिन उसकी अदालत में पेश करने खातर की करेगी समन जारी करेगी मतलब उसका एड्रेस पे एक चिट्ठी जाओगी उस चिट्ठी का मैं लिखा पाओगे भाई इस तारीख ने आपको अदालत का मैं पेश होना है मतलब वो कोर्ट के ऑर्डर उसकी समन बोल रहे हैं। वारंट के वह है समन है वो तो जो सा व्यक्ति जिसको अदालत का मैं आना हो उससे ही जारी कराया जा है, वारंट है वारंट है वो पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है पुलिस अधिकारी को ठीक है और वारंट है वो पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है और ये कहा जाता है भाई इसको पकड़ के कोर्ट का मैं पेश करो ठीक है वारंट का मैं क्या हुआ है इसको पकड़ के कोर्ट का मैं पेश करो यो काम हो वारंट का, वारंट का मैं यो काम हो अदालत के अंदर पेश होना हो लेकिन वारंट क्यों जारी कर रहे हैं कि वह अगला अपनी मर्जी तांदा को नहीं आप पेश को नहीं उसकी धक्का था पकड़ के लाना पड़ा है तो उसकी बोले वारंट गिरफ्तारी वारंट। अगला प्रश्न के भाई पंचकूला है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, बताओ भाई पंचकुला है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो पंचकुला अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंचकुला कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। पंचकुला की स्थापना पूछ ली जाए अगर 1995 का मैं है पंचकुला की स्थापना हुई थी ठीक है, पहला यो अंबाला जिला का पार्ट था, पहला किसका पार्ट था अंबाला का पार्ट था 1995 में यो न्यारा पाट्या था अंबाला का मैच जो कालकार पंचकुला थी इन दोनों तहसीलों ने मिला कि पंचकुला जिला का निर्माण हुआ था भाई ठीक है, कई बार ने पूछा अगर कालका कड़ा हरियाणा का पंचकुला का मैं है भाई और रिश्ता नहरा भाई जो कोई भी साथी भाई टेस्ट सीरीज लेना चाहो हरियाणा पुलिस खातर टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट जो भी लेना चाहो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट तो भाई अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है डिस्क्रिप्शन का मैं लिंक मिल जाएगा जॉब्स टारगेट नाम था ऐप उसके ऊपर चले जाइयो उड़े रजिस्ट्रेशन करवा लियो और उड़े तरह के होगा तरती उड़ लिखा पाओगा टेस्ट सीरीज फिर उसका मैं हरियाणा पुलिस टेस्ट सीरीज और उसका मैं एक तो डेमो टेस्ट सीरीज पाओगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका मैं तम डेमो 100% मिलेंगे हरियाणा जी के इंडिया जी के मैथ रीजनिंग HSSC का पेपर की डाल जाऊँ सेम टू सेम उसाए इंग्लिश हिंदी सबके में मिलेगी कंप्यूटर ठीक है। उसका पाछा फिर अगर कोई परचेज करना चाहे तो 40 रुपया में है 40 रुपया में 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली का एक मॉक टेस्ट मिलेगा आज वाला मॉक टेस्ट ही बिगेड़ूंगा ठीक है तो डेली के एक एक मॉक टेस्ट मिलेगा 15+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो वो उन मॉक टेस्ट ले सके अपनी तैयारी का जायजा ले सको भाई हमारी तैयारी कितनी है ठीक है भाई बनू देख सको हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है वो सब कुछ जान सकते हो। अगला प्रश्न क्या है भाई क्या पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, यो प्रश्न पूछा भाई मान लो भाई पुलिस अधिकारी तारे बयान लेने लगे रहा है हाँ भाई इन्हों बताया था ना उड़े नौकरिया था ना उड़े नौकरिया था मना बयान दे दी हाँ भाई मना नौकरिया था तो इन्होंने पूछा भाई क्या उसके ऊपर हस्ताक्षर करने जरूरी है साइन करने जरूरी है तो इसका आंसर हो जाए नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए भाई आपका ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता भाई आप इसके ऊपर साइन करो ठीक है ये कानूनन भी नहीं है बाय चांस भाई क्या पुलिस है ना तारा डंडे छूट रहे क्यों नरे और फिर तार पर साइन करवाओ धक्का था तो उसके ऊपर साइन करने जरूरी को नहीं कोई भी कंपल्सन नहीं है कानून है भाई आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता भाई उसके आपके बयानों के ऊपर साइन हो
ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा के किस शहर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? हरियाणा के अंदर किस शहर के अंदर हो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया। तो हरियाणा का जो अंबाला जिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का अंबाला का हमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाए, अगर साइमन कमीशन का गठन पूछ ले तो गठन हुआ था साइमन कमीशन का 1927 का में, ठीक है। भारत का में कोई आया था, दोनों का में फर्क है। भारत में कब आया था, भारत में आया था 1928 का में है, भारत का में आया था साइमन कमीशन, कोई आया था 1928 का में। इसका सांग के था भाई साइमन कमीशन, इसका जो के सिस्टम था, यो सात उसका में ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, सात ब्रिटिश अधिकारी थे और सात थे बेरन पांच थे शायद सात होंगे, ठीक है। और वो एक उनका जो ऐड था उसका नाम था साइमन, सर जॉन साइमन ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। तो उसका नाम पर इसका कमीशन का नाम टेक दिया साइमन कमीशन। और यो कमीशन भारत का मैं आओ था कै खतर आओ था, इन्होंने आओ था भाई कि एक मतलब कि बहुत दिन हो गए हैं ये एक अंग्रेजा का नेतृत्व में, मतलब इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिश हैं उनका नेतृत्व कम है, और भारत के जो कुछ एक जो रियासतें हैं उनका गिला मिल के एक सरकार बनाई जावे, यह बात हुई थी। लेकिन उसका मैं कोई एक भी भारत का नागरिक कौन था, तो इस कारण है लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसका मैं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाने लगे रहा था लाला जी, और लाला जी के लठ मारा ब्रिटिश लाठीचार्ज कर दी और लाला जी की मृत्यु होगी भाई तुरंत प्रभाव से, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, मजिस्ट्रेट मृत्युदंड आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम ना हो, ऐसे अपराध में किसी अभियुक्त को कितने दिवस तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? ना हो आओगा भाई, नया नहीं, ना हो तो ऐसे अपराध के अंदर है वो अभियुक्त को, मतलब कि प्रश्न ये पूछा भाई जैसे कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जिसका मैं है जो दंड है वो 10 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिला है उसका मैं, मतलब 10 वर्ष से कम की सज़ा ना हो, 10 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है उसका मैं सज़ा का प्रावधान है, 10 वर्ष से कम ना हो, ऐसे अपराध के अंदर किसी अभियुक्त को हो कितने दिनों तक कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है? तो 90 दिन तक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ऐसा अपराध जिसका मैं 10 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो, ठीक है, जिसके अंदर जो कारावास उसकी सज़ा 10 वर्ष से ज़्यादा हो, कोई भी ऐसा अपराध कर दे तो उसका मैं मैक्सिमम 90 दिन तक कस्टडी के अंदर रख सकते हैं भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में रामगढ़ का किला स्थित है? रामगढ़ का किला है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। रामगढ़ का किला है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? कुरुक्षेत्र, इसार, अंबाला या पंचकुला, कौन सा जिला का मैं हूँ रामगढ़ का किला स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। रामगढ़ का किला है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है, बताओ। इतना मैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लूँ, बताओ भाई। रामगढ़ का किला है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है, बताओ फटाफट से। कुरुक्षेत्र, इसार, अंबाला, पंचकुला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, पंचकुला। पंचकुला का मैं है, रामगढ़ का किला स्थित है, इसका दरवाज़ा बहुत अच्छा लंबा चौड़ा था, ठीक है, जिसका कारण है उसका नाम भी दर्ज कराया गया था शायद लिमका बुक का में दर्ज कराया गया था, कड़ा दर्ज कराया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न के भाई, दंडाधिकारी विचारण के दौरान है न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय हो, ये तो शायद करवा दिया, 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं तो दोबारा आ गया। हरियाणा में चनेट्टी का स्तूप हो कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो चनेट्टी का स्तूप है वो कड़ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया, इसका बताओ। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी या रोहतक, चनेट्टी का स्तूप हो हरियाणा के अंदर। एक छोरा का कमेंट आ रहा था बनो को था जी, मैंने इंग्लिश को नहीं आंदी, मैं क्या करूँ भाई, भाई इतना इंग्लिश नहीं आंदी ना, इसमें तेरी गलती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आने लग रही तो उसके अंदर आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है, आप ही उसके दोषी हो। कई जने तो क्या हुए हैं इंग्लिश सीखण का भी डरे हैं, इंग्लिश बोलने में शरमावे हैं भाई, शरमाने की जरूरत को नहीं यार, घनी शरमावे है तो बोलने की टाल कर जो सीख तो लो। एक जो करनो कहो है भाई कि इंग्लिश को नहीं आंदी भाई, जमा को नहीं आंदी, बस जमा नहीं आंदी ना, तो इसके अंदर गलती आपकी और किसी की गलती को नहीं। अपना पाँचवीं क्लास की बुक ठैगी से पढ़नी शुरू कर दो, पहली क्लास की पढ़नी शुरू कर दो, किसी ने नो कौन गई आवा भाई, तो कंपटीशन वाली सीधी बुक पढ़ो, बिल्कुल स्टार्टिंग का शुरू कर दो, तीसरी चौथी क्लास की बुक पढ़नी शुरू कर दो। इब तो हुआ कौन, इब तो पुलिस का पेपर आया गया, लो भाई पूछना पढ़ोगे तो और सब्जेक्ट हम सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग तो शुरू करो, अपना ये पेपर हो पास फिर कर लिए, लेकिन तामना टेम कड़ा है, तामना तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और महिला मित्र का टेम मिला है तो ताम करो, नहीं तामना टेम है कौन, इंग्लिश हिंदी कुछ मैथ मुथ पढ़ा कि कोई टेम कौन, ताम फड़ा के देखो तारा फोन ना का मुआंदा हुआ स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम ना खोल के देखो कि एक दिन में कितने घंटे फ़ोन यूज़ करो, ताम एक दिन में स्क्रीन टाइम देखो तारा कितने घंटे है, पाँच पाँच मिनट भी नो नो करके चलाओगे ना तो भी
तारे कम तक कम 4-5 घंटे फूक दे पाऊँ, कई मारथियाँ के तो 8-8 घंटे फोन पर चल रहे हैं, तो 24 घंटे का मतलब तम 8 घंटे तम सो हो, 8 घंटे तम फोन ना दे हो, 16 घंटे वो हो गए, 8 घंटे बच गए, तो तम मेरे तुम्हें बताओ पटो कोई हो तम उन 8 घंटे का मैं जो से बच गए उसको तम रोटी भी खाओ नहाओ भी धोओ भी और भी काम धंधे करो पटो कोई भाई तम नू तो बताओ मेरे तम तारा जो सुपड़ा सा अपने फोन जो भी विज्ञान ने जो चीज़ बनाई है ना उनका फायदा भी है हैरानी भी है। ये फोन तो मैंने भी दिखा था मैंने बेरा कौन पट्टा है भाई मारा इतना टाइम जान लग रहा है फोन अपना ऊपर वो खुद रखो भाई मैं फोन ना आज कौन यूज़ करूँ उसका मैं टाइमर सेट कर दिया आजकल तो फोन ना का मैं वो ऐप भी तो आए हैं ऐप टाइमर टाइमर सेट कर दो भाई आज का दिन मैं इंस्टाग्राम ती 10 मिनट यूज़ करूँगा फेसबुक ती 10 मिनट यूज़ करूँगा व्हाट्सएप ती 10 मिनट यूज़ करूँगा मतलब 10 मिनट यूज़ करे पाछा वो ऐप आप फ्रीज हो जाए फिर वो अगला दिन चल लगा फिर से किसी का मैसेज आओ खुला है कौन वो ऐप वो सिस्टम कर लियो भाई और कोई इलाज करो भाई शुरू शुरू में 2-3 दिन तो वो होगी मैं के अड़ू सा हो गया भाई फोन कौन मिलता 2-3 दिन में आदत छूट जाएगी और तम एक दिन मैं गारंटी दे हूँ एक दिन तम यो सिस्टम अप्लाई करके देखो फोन ना कोशिश करो भाई आज कौन देखूँ मैं आज फोन सिस्टम अप्लाई कर टाइम देखो तारा द्वारा कितना बच जाएगा सारे सब्जेक्ट पढ़ दोगे तम एक दिन में फिर भी टाइम बच जाएगा तारा द्वारा बाहर हंडन फिर ना भी टाइम मिल जाएगा बहुत टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा समय की बचत करो भाई। तो यमुनानगर का हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए हरियाणा के अंदर जो चनेट्टी का स्तूप है वो कड़ा पाया है यमुनानगर का हमें पाया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के क्या किसी व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार करने पर उसे प्रतिकर दिलाया जा सकता है मतलब मान लो भाई किसी भी व्यक्ति थी बिना बात गिरफ्तार कर लिया निराधार का मतलब किसी भी व्यक्ति थी बिना बात गिरफ्तार कर लिया तो उसके बदले में उसे प्रतिकर दिलाया जा सकता है प्रतिकर का मतलब क्या है भाई उसका अर्जाना भाई तेती गिरफ्तार कर लिया पुलिस वाले का हमारी गलती होगी इसका अर्जाना उसकी दिलाया जा सके हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उसे उसका अर्जाना दिलाया जा सकता है। अगला प्रश्न के बाद हरियाणा में सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थल किसे कहा जाता है जो सरस्वती नदी और सोम नदी है इनका संगम स्थल है वो आदि बद्री को कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए हरियाणा के अंदर जो सरस्वती नदी और सोम नदी है इनका जो संगम स्थल का मतलब क्या जो मिलन वाला स्थल है उसका क्या नाम है आदि बद्री कड़ा है हरियाणा का यमुनानगर में ठीक है हरियाणा का यमुनानगर में है आदि बद्री है नूपुर से आया कर यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है तो हरियाणा के यमुनानगर जिले से प्रवेश कर रहा है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई एक गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित किया जा सकता है जो गिरफ्तारी वारंट है उसको कड़ा कड़ा निष्पादित का मतलब है पर कड़ा कड़ा उसकी लागू किया जा सके कड़ा कड़ा उसकी आगे बढ़ाया जा सके ये प्रश्न पूछा गया बताओ भाई एक जो गिरफ्तारी वारंट है उसको कड़ा कड़ा है वो निष्पादित किया जा सके ये प्रश्न पूछा गया है तो भाई इसको पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी निष्पादित किया जा सके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई ठीक है पूरे भारत के अंदर गिरफ्तारी वारंट को कहीं पर भी जो करो कौन भाई गिरफ्तारी वारंट का मतलब कौन भाई हरियाणा का में लागू हो गए हैं भाई अपराधी से मुंबई का मैं हो आड़ता भी गिरफ्तारी वारंट उसका खिलाफ मुंबई का जारी हो जाएगा भाई मुंबई मतलब ठाई के लिए उस नाड़ है ठीक से। अगला प्रश्न के भाई यमुनानगर की टिम्बर मार्केट पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी तो भाई अब्दुल्लापुर मंडी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट थी वो पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। यमुनानगर का प्राचीन नाम भी पूछा जाए अगर यमुनानगर का प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या था अब्दुल्लापुर ठीक है अब्दुल्लापुर है वो यमुनानगर का प्राचीन नाम था भाई पूछ ले हो तो कई बार अब्दुल्लापुर है वो यमुनानगर का प्राचीन नाम था और अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से हो यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को जाना जा है भाई। अगला प्रश्न के भाई क्या गिरफ्तारी वारंट दो या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है नू प्रश्न पूछा भाई जो गिरफ्तारी वारंट जो जारी होया अगर है वो सिर्फ एक के पुलिस अधिकारी थी जारी होया अगर या फिर दो या तीन कितने थी भी जारी कर सका है तो हाँ भाई जो गिरफ्तारी वारंट हो कितने भी पुलिस अधिकारियों को जारी किया जा सकता है भाई कितने भी मान लो तीन पुलिस वाले तो तीन पुलिस अधिकारियाँ थी मैंने कह सका भाई तू राजस्थान का मैं जातूँ महाराष्ट्र का मैं जातूँ उड़े बिहार का कहानी जा और तीनों आदि जारी कर दिया भाई जड़े भी पाओ उसने ठह ले हो ठीक है तो गिरफ्तारी वारंट हो कितने भी पुलिस अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। अगला कि हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ पार्क्स का नाम था जाना था नो प्रश्न पूछा भाई हरियाणा का मैं है वो कौन सा जिला थी सिटी ऑफ पार्क्स का नाम था जाना था ये प्रश्न पूछा गया भिवानी हिसार झज्जर या कुरुक्षेत्र हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है हेलो बताओ भाई बताओ भिवानी हिसार झज्जर कुरुक्षेत्र तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए जो कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र थी सिटी ऑफ पार्क के नाम से जाना जाता है ठीक है सिटी ऑफ पार्क के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है कुरुक्षेत्र को जाना जाता है ब्रह्म सरोवर है कड़ा हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला का मैं है ब्रह्म सरोवर है भाई ठीक है।
अगला प्रश्न क्या भाई, जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस मामले को आगे बढ़ाते हुए गवाहों की परीक्षा आरंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से कौन सा है। मान लो भाई जोकर मजिस्ट्रेट का श्यामी मामला पेश कराया गया, तो उसका पाचा क्या होगा भाई, मामला पेश कराया गया तो मजिस्ट्रेट है आगे गवाहों की तरफ भी बढ़ेगा भाई, जो गवाह हैं जो आ रहे हैं गवाही देण, ठीक है, उनका भी पूछताछ खातर बढ़ेगा। तो उन्होंने पूछा भाई तो फिर मजिस्ट्रेट का कार्य फिर कौन सा होगा, जिस टाइम गवाहों की जो गवाह उनकी परीक्षा लेनी शुरू करा, तो परीक्षा, परीक्षा का मतलब क्या है, पूछताछ, ठीक है, पेपर का में परीक्षा ही लिखा हुआ, कहते तब नो समझ दो पूछताछ लिखा हुआ, परीक्षा, ठीक है, यानी उस टाइम मजिस्ट्रेट का काम क्या है, परीक्षा करना का, यानी कि पूछताछ करने का, जिस टाइम गवाहों की बारी आया करे। अगला प्रश्न के पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, जो पुराण है उनके अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा करी गई थी, कैथल की सम्राट कैथल की स्थापना पुराणों के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नवग्रह कुंड कड़ स्थित है, प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत बार नवग्रह कुंड है वो आपके कड़ स्थित है, हरियाणा का कैथल का मैं है वो नवग्रह कुंड है वो स्थित है भाई, ठीक है, इसकी वजह से इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और अनुमान कि नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे, अनुमान का जन्म स्थल, ठीक है, अनुमान का जन्म स्थल भी बोला जा है, अनुमान का जन्म स्थल के नाम से भी किसती जाना जा है, कैथलती है वो अनुमान का जन्म स्थल का नाम से जाना जा है, अंजनी का टीला नाम तो भी जाना जा है भाई, अंजनी का टीला ये पूछा जाए अगर कड़ा है, अंजनी का टीला भी कड़ा आपका कैथल का में है भाई, ठीक है, और तो क्या याद रखना है कैथल से संबंधित, ये बहुत से। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर साक्षी किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य है, तारली साक्षी को नहीं, साक्षी का मतलब है जो भी मतलब गवाह है वो, ताम तो इतना देर में हो जाओ तो जाओ, साक्षी आगी साक्षी है मारी साक्षी होगी, इसका आगा पेश अपने आप मारी लगा लो, अपनी अपनी साक्षी नो कहोगे मतलब खुद आग लेना चाहे भरियो चाहे ना भरियो, अपनी अपने आप लगा लेंगे, और जो अगर कोई और भी हो ना दोस्त दास्त हो, और भाभी का क्या हाल है, बस ठीक है यार, तू बता तेरे वाली का क्या हाल है, नू चल बैठ दो, मतलब अपने आप ही उसने अपनी घोषित कर लिया, दूरता है नू देख दिए, आगरे अकेला चे जान चे बोल चाल भी ना हो, कोई नू देख ली भाई या सुंदर लड़की है, ते अगली अकेला ना बोल लिया, अगली चीज ना जान दी भी ना हो कौन है यो, ना कदे बातचीत होया आए हलो किमें नहीं होया, तो भी आप पे आप घोषित कर लेंगे आप, अरे भाई मेरा तो दिल आ गया इस पर, मैं इतना मैं खुश खुश, और फिर वो दूसरा क्या होगा अगला दिन, और भाभी को नहीं आई गई आज भाई, इतनी देर में बस यार बाट देखने लग रहा हूँ, अपने आप ही घोषित, अपने आप ही देख लो, मतलब इतने होशियार हैं अपने आप ही घोषित कर लिया, हाँ भाई बाट देखने लग रहा हूँ, आप फिर कहा तिर लिया गई आपे आपे, मतलब नू आपे आपे नू मने मनवा के बोलिया करूँ उसती है, कल्पनाओं के अंदर बनाए रखे हैं, हाँ भाई वाह मेरी है वाह मेरी है वाह मेरी है, लड़कियां का मैं इसे इसे कम हो गया करें केस, छोरियां का मैं गणे हुए हैं मेरे हिसाब से, जो जहाँ तक मरना बेरा है, बाकी बेरा कौन भाई के बेरा छोरियां का मैं भी नो होता वो, और जीजाजी का क्या हाल है, जीजाजी कहाँ पर हैं आज, जीजाजी आए नहीं दिखाई नहीं दे रहे जीजाजी, जीजाजी सुनया मना कदम सुनया तो कौन भाई, बाकी के बेरा होता भी हो भाई, ठीक है। तो जो साक्षी हो किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुलिस अधिकारी के सामने है जो साक्षी है वो किसी भी प्रश्न उत्तर को देने के लिए बाध्य नहीं होता भाई। अगला के हरियाणा के किस जिले में टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है, प्रश्न पूछा गया, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद या कैथल, हरियाणा का कौन सा जिला का मैं है टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है, प्रश्न पूछा गया है, बताओ भाई, तो भाई हरियाणा का कौन सा जिला का मैं टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है, कैथल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, हरियाणा का कैथल जिला का मैं है टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है। अगला के गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय उसका परीक्षण कब कर सकेगा, भाई मान लो भाई गिरफ्तार व्यक्ति है वो कब मेरा मेडिकल करवा दो, ठीक है, तो जो चिकित्सक है वो उसका नो मेडिकल कौन कर सकता, जब तक उसे न्यायालय के निर्देश नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, न्यायालय के निर्देश के बिना है कोई भी चिकित्सक गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल नहीं कर सकता भाई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है न्यायालय के निर्देशों के बिना गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल नहीं कर सकता। अगला प्रश्न के भाई, पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य, हरियाणा वेरा है दूसरा राज्य है, पहला राज्य कौन सा था आपका, राजस्थान था वो पहला राज्य था, इसका मैं बालक हैं जिन्हें नहीं पढ़ रखा वो आपका हरियाणा ठोक के अगर उन्होंने समझाया करें भाई, हरियाणा से संबंधित जिक्के है, हरियाणा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका मैं जरूर हरियाणा पाऊंगा, लेकिन इसका मैं
नो मतलब कि इसका हिसाब था तो हरियाणा है, मतलब दूसरा पूछा है दूसरा तो हरियाणा है, हरियाणा ना तो दूसरा मिला, लेकिन वो पहला सोचा करें ना भाई, हाँ भाई पहला है। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आज की क्लास का पर्सन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सही, छोटी क्लास सुखी क्लास, वो कौन सुने, छोटा परिवार सुखी परिवार, वही सिस्टम से छोटी क्लास सुखी क्लास, अपनी क्लास होगी पूरी। तो भाई और तो कि मैं नया ज्ञान बांटना को नहीं फिलहाल, और कि मैं तरती नया ज्ञान बांटना है के, और तो कि मैं नया ज्ञान सही कौन भाई अपना दौरा, तो फिलहाल पेपर होगा 27 ना 28 29 31 ना, अपना तैयारी का मैं जुटे रहो जितना हो सके, खुद की बुका तो पढ़ना जारी रखो भाई। ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब पर माथा मारण में कि मैं दे रहा को नहीं, बाकी रिविजन खातर भाई कोई देख सके, कुछ नए प्रश्न पाते हो कुछ पुराने पाते हो, रिवाइज रिविजन मारना चाह है वो देख सके यूट्यूब पर, बाकी अपनी सेल्फ स्टडी पर जितना करना ध्यान दोगे, फोन तो थोड़ा है एक हफ्ता दूर रहो, और दौड़ दाड़ मारनी पर शुरू कर दो फिजिकल की, पाँच छोड़ा मोबाइल हैंड हो गए, 5 ही दिन का टाइम दिया सर 5 ही दिन का टाइम सर 3 ही दिन का टाइम दिया सर 3 दिन में कैसे फिजिकल पढ़ेंगे सर, हम खुद ही फट जाएंगे। फिर नु कहते फिरोगे, नुए कहोगे 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में पढ़नी है, ताम पाट जाओगे तो भी कौन पाटेगी, इबे पहला फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दियो, और कि मैं घाटा तो हो कौन बहनू तो सह कौन, तारे गोडे घिस जाए से तो तम ताऊ भी कौन बने हो भाई, हम दौड़ लगा रही तो मारे गोडे घिस जाए, हम तो पेपर हो पाछा फिजिकल की तैयारी कराएंगे, भाई सही वाला मैं कौन देखा गए आधे मारा थी, नुए कौन बेरा था कि भाई फिजिकल इतना तोड़ा भी हो जाएगा, रिजल्ट आया 2 दिन पाछा फिजिकल, आधे नु कहा इतना टाइम दिया 2 दिन में कुकर तैयारी करा, तैयारी करने का कोई नया टाइम कौन मिलता है, पहला था पेपर था पहला तो तैयारी शुरू करनी पड़े है, आगे समझ में इबे बाजना शुरू कर दियो, नहीं घराले बजाए देंगे करता, सिलेक्शन नहीं होया तो ना ब्याह होगा। ठीक है भाई, तो सहने ती राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट, जो सुबेरा देखा उनका खातर गुड मॉर्निंग, लांडा ले लो भाई।